महेंद्रगढ़ में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन श्री कृष्णा स्कूल के ग्राउंड में किया गया। इसमें बॉक्सिंग, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल जैसे अनेक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल की शुरुआत के बारे में श्री कृष्णा स्कूल के डायरेक्टर करमवीर राव ने बताया कि जिला खेल अधिकारी की तरफ से जितनी भी जांच की गई, सभी ग्राउंड सभी सुविधाएं उन्हें बहुत अच्छी मिली। करमवीर ने बताया कि खेल का दूसरा नाम ही अनुशासन है। अनुशासन करने से शासन हासिल होता है और उन्होंने बच्चों को संदेश दिया कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल में कोई भी हारे या जीते, लेकिन जीते हुए खिलाड़ी को इस बात का दिखावा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बास्केटबॉल को उछालकर खेल का शुभारंभ किया। बॉक्सिंग में दोनों खिलाड़ियों को बॉक्सिंग पोजीशन में रखकर बॉक्सिंग गेम की शुरुआत की। इस उपलक्ष्य पर अनेकों स्कूल से आए हुए बच्चों ने खेल में हिस्सा लिया और इस मौके पर स्कूल के स्टाफ के साथ अनेकों लोग उपस्थित रहे। खेल महाकुंभ का आयोजन जो आप करवा रहे हैं, इसके बारे में सर विस्तार से बताएं। ये खेल महाकुंभ हर जिले में 11 से 13 तक करवाया जाना है। 2 तारीखों में करवाया जाना है, 11, 12 या 13 में। तो 4 गेमों के लिए श्री कृष्णा स्कूल को चुना गया है और यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं बढ़िया मिली है, इसलिए यहाँ करवाया जा रहा है। हमारे साथ कृष्णा स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर करमवीर राव जी हैं, इनसे पूछते सर आप बताइए, जैसे आपके यहाँ राज्य स्तरीय जो खेल महाकुंभ का जो आयोजन करवाया जा रहा है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और ये किस उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है? जिला शिक्षा खेल अधिकारी की तरफ से हमें 4 गेम्स दिए गए हैं, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और हॉकी और बॉक्सिंग। और मैं आपकी सूचना के लिए बताऊं कि जिला खेल अधिकारी की तरफ से यहाँ पे जितनी भी जांच इन्होंने की है, सभी ग्राउंड, सभी जितनी भी सुविधाएं हैं, सभी को सर ने बताया कि बहुत अच्छी मिली है। हमारी कोशिश यही रहती है कि जिस भी तरीके का हमारे से योगदान हो पाता है और सहयोग हो पाता है, हम करते हैं। और एक छोटा सा सहयोग सर हमेशा हर मामले में मदद करते हैं, हर मामले में आगे रहते हैं। तो एक छोटा सा सहयोग हमारी तरफ से यही है कि हम इस टूर्नामेंट का आयोजन बहुत अच्छे तरीके से करवाएं। सर, खेल के प्रति बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे कि खेल में बच्चे रुचि लें और आगे बढ़ पाएं? सर, जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे कि खेल का दूसरा नाम ही अनुशासन है और अनुशासन करने से ही शासन किया जा सकता है। तो मैं बच्चों से, जितने भी खिलाड़ी यहाँ आए हैं, उनसे सभी से यही संदेश देना चाहूँगा कि खेल को खेल की भावना से, अनुशासित भावना से खेलें। और दो ही चीज़ें होती है खेल में, जीत या हार। जो खिलाड़ी जीत के जाते हैं वो कभी भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दिखावा ना करें कि हम जीत के आए, और जो खिलाड़ी हार के जाते हैं वो खिलाड़ी यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएं, यही अपेक्षा मैं खिलाड़ियों से रखता हूँ। और सभी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर व्यवस्थाएँ की गई हैं। जितने भी कोच साहब आए हैं और हमारे जिला खेल अधिकारी जी का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं यहां पे आए हुए सभी खिलाड़ियों का, सभी विद्यार्थियों का। हमारी तरफ से कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसके लिए मैं एक बार पुनः फिर धन्यवाद करता हूं कि हमें इस तरीके के आयोजन का अवसर मिला। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 TV। नमस्कार।